है उसे हम पूरा कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयत्न करते हैं। ये 5 मिनट का हुआ, अभी 15 मिनट ये करना चाहिए जीवन में, तभी जाकर के इसका लाभ होता है। कपाल भाती करते करते ना किसी की कमर दुख रहा है ना, कमर नहीं दुखना चाहिए किसी बच्चे को। ऐसे बैठे हैं तो 5 घंटा ऐसे बैठे रहे, 3 घंटा हम ना पढ़ पाइएगा, नहीं तो ना इधर करेंगे उधर करेंगे। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, इसलिए कि हम ध्यान युक्त नहीं होते हैं। कभी भी बैठ करके 2 घंटा आपने पढ़ा है लगातार? नहीं। आपका किताब बदल जाए, मैथ है, अंग्रेजी है, साइंस है, संस्कृत है, लेकिन आसन नहीं बदलना चाहिए। समझ में बात जो मैं कह रहा हूँ ना, जब आसन लग गया विद्यार्थी का, मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, विद्यार्थी है और विद्यार्थियों का 5 लक्षण होता है ना, उसमें जानते हैं ना आप लोग क्या क्या है? बोलिए। हाँ 5 हो गया। और अल्पहारी, मतलब कि गृह त्यागी होना चाहिए। कुत्ते जैसा नींद स्वान निद्रा, कुत्ता कभी भी गहरी नींद में रहता है, थोड़ा सा भी उसे आवाज मिले तो जग जाता है। अल्पहारी, भोजन भी कम होना चाहिए। और क्या है? बकुल ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। एकदम नजर है और मछली जैसे ही दिखाई पड़े पकड़ लिया। तो मैं 5 लक्षण वाले विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूँ कि आप सभी के अंदर 5 लक्षण आना चाहिए, तब जाकर के हम विद्यार्थी की श्रेणी में आएंगे। नहीं तो देखने में विद्यार्थी है, लक्षण नहीं होने से विद्यार्थी हो पाएंगे? नहीं होंगे। अब मोबाइल है, उसमें सॉफ्टवेयर सब खत्म है, तो क्या खोल लेने से मोबाइल हो जाएगा? वो उसमें अंदर जो जो फंक्शन काम कर रहे हैं, तभी हम कहेंगे उसको मोबाइल। माइक है, इसमें जो ये काज कर रहा है, इसकी जो ताकत है, नहीं तो ये बेकार पड़ा है। अब ये ना लाइन कट गया तो बेकार हो गया, आ गया तो ठीक हो गया। तो ऐसे ही जीवन में हमें अपने आप को विद्यार्थी जैसा लगे। पहले के विद्यार्थी कैसे होते थे? राम जैसा, कृष्ण जैसा। जब उसके कदम चले तो लगे कि विद्यार्थी का कदम, ऐसा नहीं कि लफुआ का कदम है, होता नहीं से? अभी का लफुआ ना विद्यार्थी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका चाल चलन, रहन सहन और एक एक गतिविधियां चारित्रिक रूप से पतित हो गई, तो हम क्या हो गए? चरित्र में भी गिर गए। हमारा देश क्या था? चारित्रिक रूप से विश्व गुरु। चरित्र यदि है तो कहाँ है दुनिया में? भारत में है, दुनिया में कहीं कोई चरित्र नहीं है। रिश्ता है तो कहाँ पे है? भारत में, वह भी हमारे प्राचीन सनातन वैदिक धर्म में है। किसी भी धर्म में कोई रिश्ता नहीं है, कोई माँ बहन भाई कोई रिश्ता नहीं है, कोई किसी से साथ विवाह शादी कर रहा है। हमारे यहाँ किसी भी माँ को और बहन को देखते हैं तो उसे उसमें क्या देखते हैं? अपनी माँ और बहन देखते हैं। अब वो भी टूट रहे हैं ना, अभी बच्चों में विद्यार्थियों में टूट रहा है। इसीलिए कहा गया है अष्टांग योग में, अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा करूंगा आज, प्राणायाम कराते कराते। उसमें यम नियम बताया था ना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने लिखा था, उस योग के बारे में भी चर्चा करके अगला अभ्यास कराऊंगा। तो अगला अभ्यास कराते हैं अनुलोम विलोम का।